अस्सलाम वालेकुम नुसर, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं आपके साथ आपकी आरजे महवेश, और हमारे साथ मौजूद हैं दर्शन रावल। पूरे एक साल के बाद हमारे साथ हैं, और आप लोगों की बेशुमार फरमाइशों के बाद आज ये मुमकिन हो सका है कि दर्शन हमारे साथ हैं। मेरे पास चूंकि इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सीधे से वेलकम कहते हैं दर्शन रावल को। दर्शन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे हर बार बहुत मजा आता है आपके साथ एक इंटरव्यू में, एंड आज फिर से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और so, इस बार लेट्स डू इट। थोड़ा सा इंतजार लंबा हो गया, मेरे पास इतने कोई मैसेजेस आ रहे थे, एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी, गिल्टी भी फील कर रही थी, लेकिन चले कोई बात नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा चलता भी है, मसरूफियत इतनी ज्यादा है आपकी, तो बहुत सारे मैसेजेस हर दफा की देना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। ढोल बजा माशाल्लाह 18 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं अब तक, और ये चले जा रही है सक्सेस स्टोरी, और यूं चलती रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आया है ढोल बाजा से रिलेटेड, कि ढोल बजा के लिए आउटफिट आपका किसने चूज किया था? हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं डैनिश और हैरी, उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो एक जो आउटफिट है, दो आउटफिट पहने मैंने। एक है पिंक वाला जैकेट। तो ये पिंक वाला जैकेट की कहानी ऐसी है कि जब मैं बाहरीन परफॉर्म करने के लिए गया था, तो तब मैंने ये ब्रांड का जैकेट देखा था, और मैंने लिया नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर मैंने सोचा अभी कहाँ पहनेंगे। तो अभी जब इस बार शूट कर रहे थे, तो आदिल भाई जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि कुछ पिंक कलर का पहनते हैं। तो मैंने कहा यार, आई हैव अ जैकेट मेरे दिमाग में है, वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो उस कंपनी का जैकेट मैंने उनको गूगल पर दिखाया, मैंने बोला ये, बोले सबको बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कोशिश की मुंबई में उसको ढूंढने की, वो नहीं थे, और वो जैकेट नहीं था। फिर हमने कोलकाता में दो सिर्फ लास्ट टू पीसेस पड़े हुए थे, तो हमने शूट के लिए वो दो पीस मतलब ऑर्डर किए, और तुरंत शूट के एक दिन पहले वो जैकेट आया, और दो साइजेस में हमने मंगवाया था, एक मीडियम था एक लार्ज था, एंड फाइनली मैंने जो पहना था वो मीडियम मुझे हुआ था। तो वो एक जैकेट है। और दूसरा जो जैकेट है, जो फुल नवरात्रि वाला है, उसमें हमें थोड़ा सा कुछ अलग करना था, कि थोड़ा वेस्टर्न भी हो और एंड येट उसमें नवरात्रि की फील भी आए। तो वो जैकेट, ये दोनों स्टाइलिस्ट ने 30 आवर्स मेहनत किया था पूरे जैकेट के ऊपर। तो 12-12 घंटे वो लोग काम करते रहते थे, एंड फाइनली, और वो लोग बहुत नर्वस रहते हैं जब मुझे जैकेट लेकर आते हैं, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कपड़े के, मुझे खुद बहुत अच्छे लगते हैं जैकेट्स और एवरीथिंग। तो उनका बहुत रिएक्ट, बहुत नर्वस होते हैं, बट ये जैकेट जब लेकर आया मैं बहुत खुश हुआ था। नवरात्रि एंड देन एक्चुअल नवरात्रि, ये आदिल भाई का था, बट दिस इज रियल। ऐसा ही होता है कि कॉलेज के अंदर एक्साइटमेंट रहती है, सब खुद के कॉलेजेस में गुजरात में रेडी करते हैं डे टाइम में, एंड देन शाम को एंजॉय करते हैं। या सो नवरात्रि के टाइम कॉलेज के अंदर माहौल भी बहुत अलग रहता है, और एग्जाम्स या खत्म हुई होती है या आने वाली होती है, तो उस दौरान आपको सब कुछ मैनेज करना है। सो हमारे कॉलेज में भी यही था, स्कूल में भी यही था, तो काफी मैं खुद रिलेट करता हूँ वीडियो की कहानी से। सही, ये और नए नए लोगों से नए लोगों से मिलने का एक्साइटमेंट रहता है, जिनको हम नहीं जानते या दूर से देखा होता है। गुड, अच्छा ये क्वेश्चन था दर्शन म्यूजिक वाला। साबिया अख्तर, भूमिका शिवानी, गंगुन दत्त और आई एम लवनिया, दर्शन इटर्निटी, कीजी दर्शन मेमोरीज और विरूति पटेल सारा, इन सब ने मिलके क्वेश्चन किया था। अच्छा जैकेट स्लीव्स आपकी इस दफा बड़ी, जो जैकेट जो फेमस हुई हुई है ना, वो वाली जिसपे आपने डी आर लिख पाया, तो वो बहुत फेमस हुई हुई है, और उसका ये पूछा है कि आपने मतलब ये कैसे कर लेते हो भाई, हर दफा हमारा इतना दिल खुश कि आप इतना मतलब सोचते, इतने क्रिएटिव वे में सोचते हैं, ये किसका आइडिया था, आप ही का था? सो ये जो जैकेट पे नाम है वो पहले बीच में इधर था। सो मैं मेरे फैंस के लिए सोचता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं सोचता हूँ, वो जो हमारे स्टाइलिस्ट हैं उनका प्यार है कि वो मेरे लिए ऐसे पूरा यहाँ बीच में लिख कर आए थे। मैंने बोला इतना भी सेल्फ कॉन्शियस वो नहीं हूँ मैं, इतना ज्यादा भी मत करो, अगर मेरा नाम आपको कहीं ऐड करना है तो कहीं स्लीव्स पे जो उतना दिखे नहीं वैसे करो। तो फिर उन्होंने स्लीव्स पर डीआर लिख दिया, तो वो भी अब जानते हैं कि नहीं, आपके आपके फैंस को अच्छा लगेगा अगर आपका नाम कहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे जब मेरे फैंस का कुछ आता है तो वो अच्छा लगता है, जैसे इफ यू सी इन द म्यूजिक वीडियो बहुत सारे ब्लू फ्लैग्स हैं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम हर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इफ वी कैन ऐड समथिंग विद ब्लू फैमिली, और अब धीरे धीरे हर कोई जानने भी लगा है, चाहे कोई म्यूजिक लेबल हो या कोई
डायरेक्टर हो उनको भी ये पता है कि मेरे जो फैंस हैं वो खुद को ब्लू फैमिली बुलाते हैं एंड उनको भी अच्छा लगता है टू ऐड इट्स जस्ट आवर वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू देम एंड शेयरिंग आवर लव सो मेरे को उस चीज का बहुत एक्साइटमेंट रहता है बट ये जो नाम वाला है वो आइडिया हमारे स्टाइलिस्ट का था और जो पहला ड्राफ्ट उन्होंने जैकेट का जो बनाया था उसमें पूरा बीच में दर्शन लिखा हुआ था तो वो हमने हटवा दिया इतना भी खुद से प्यार नहीं है थोड़ा कम कर देते हैं सही. अच्छा इन्होंने दूसरा मेरे पास ये क्वेश्चन भी मौजूद है जिसका आपने सवाल अभी जवाब दिया भी है और आपने जिक्र किया भी है कि फ्लैग में ब्लू हार्ट्स का एरिया तो वो आप ही का था और बाकी मतलब जब किसी के साथ आप किसी लेवल के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनको इस बात के ऊपर आमादा करना कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ब्लू फैमिली है वो हर जगह दिखे तो ये आपके लिए थोड़ी सी आसान होती है या फिर मतलब वो इजिली आमादा हो जाते हैं इस बात पे. मतलब अब सब जानते ही हैं कि वो ब्लू फैमिली इज अ पार्ट ऑफ मी एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि जब एक डायरेक्टर उनकी खुद की कहानी लिखते हैं विजुलाइज करते हैं तो हम फोर्स फिट नहीं करते हैं किसी चीज को. हम पूछते हैं उनको कहते हैं कि अगर आप देखिए आपकी कहानी में कैसे आप ऐड कर सकते हैं कैसे हम कर सकते हैं चाहे छोटा कुछ भी हो और फिर इट्स अ ग्रुप डिस्कशन सारा टीम बैठता है और डिस्कस करता है कैसा कुछ करते हैं एंड देन वी डिसाइड एंड आई थिंक लेबल के साइड से कभी किसी को प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल फैंस ही हैं और उनके लिए ही हम गाना करते हैं और वही लोग सुनते हैं और ये जो नंबर्स हैं हमेशा मैं कहता हूँ कि वो लोग ही लेकर आए हैं वही रिपीट पे सुनते हैं. सो आई थिंक सबसे ज्यादा आर्टिस्ट के गाने के ऊपर हक उन फैंस का रहता है एंड या मेरे को प्रॉब्लम हुआ नहीं है अभी तक जितने लकीली खास लगती है मतलब किसी और अगर सिंगर के साथ देखा जाए म्यूजिशियन के साथ देखा जाए तो ऐसा हमें नजर नहीं आता उनके म्यूजिक वीडियो में हर दफा उनके फैंस को इतना वैल्यू देना तो ये आपके लिए कितना मैटर करती है बात कि क्या एहसास क्या है फीलिंग्स क्या है इसको लेके. और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई और आर्टिस्ट ये नहीं कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने फैंस को प्यार नहीं करता है. हर एक का एक तरीका रहता है एंड हर आर्टिस्ट अपने फैंस के लिए काम करता है. मुझे बस अच्छा लगता है एंड वो एक्साइटमेंट के वो ढूंढ लेते हैं कि हाँ सी यहाँ पर जैसे बारिशों में जैकेट पे ब्लू हार्ट्स थे बहुत छोटे छोटे ब्लू हार्ट्स थे बट और इस वीडियो में तो बहुत सारी जगह पर आप देख ही रहे होंगे. सो ये मेरा तरीका है जस्ट स्मॉल वे ऑफ saying thank you to all of them and मैं चाहता हूँ कि दुनिया जाने जैसे अगर जो लोग नहीं भी जानते कि ब्लू फैमिली क्या है वो एक बार तो वीडियो देखेंगे और नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा ये ब्लू फैमिली दर्शन के फैंस है और जिन्हें दर्शन बहुत प्यार करता है. सो या जस्ट माय वे ऑफ सेइंग ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है बट मेरी तरीके से जितना भी मैं इसलिए ब्लू फैमिली पूरी आपको क्यूट कहती है क्योंकि आपके ये बहुत क्यूट जेस्चर्स होते हैं जो आप हमेशा करते हैं उनके लिए इतना क्यूटली सोचते हैं उनके लिए. चलिए ग्रेट असेसमेंट बता दूं कि कौन कौन लोग शामिल थे इसके सवाल करने में आपसे तो ये दर्शन आइडल स्वाति दर्शन रावल तांबली निक्की निक शौती शो और हेवनली ब्लेस्ड नेहा शहारे सृष्टि और इसके साथ सवरीना दर्शन क्यूटी पाई प्रिया वी शीता निंदिनी मामून तहजीब कबीर सुही खुशी दर्शन स्टार वर्ल्ड तृप्ति दशु संजीदा एंड साइमा सब में दर्शन सुनाई दे रहा था मेरे को. बिल्कुल क्योंकि फैंस है ना सब आपके. रेंज टू अच्छा ढोल बजेगा ढोल बजा जो है इस ट्रैक का टूर कब शुरू होने वाला है सब फैंस ने अपने अपने सिटी का पूछा है कुछ अपने कंट्रीज का भी पूछ रहे हैं जैसे आपके लिए बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेजेस हैं कतर से बहुत सारे मैसेजेस हैं कि कब टूर शुरू करेंगे कब आएंगे हमारी तरफ. अभी तो टूर का पता नहीं बट आई थिंक अक्टूबर से होगा और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं रहता है कि मेरा पहला शो किधर होने वाला है. मुझे बहुत लास्ट मोमेंट बताया जाता है कि इस डेट को आपका शो है और मैं रेडी रहता हूँ तो जितना एक्साइटमेंट मेरी प्यारी फैमिली को है उतना ही मुझे भी एक्साइटमेंट है कि पहली बार मैं इसे कहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ. सो देखते हैं जल्दी से लेट्स सी बट काफ़ी टाइम से हम थोड़ा एक डेढ़ महीने से परफॉर्म नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ मॉनसून ऑल्सो एंड आई थिंक अब विल स्टार्ट परफॉर्मिंग इन अक्टूबर. मैं तो चाहूंगी अब सबसे पहले कतर से शुरू करें ताकि हम आपको देख सकें यहाँ पे परफॉर्म करते हुए. बिल्कुल नहीं थैंक यू ऑफ कोर्स. चलिए अच्छा ये था दीप्ति दास सुरुदू अनन्या सिंह चौहान सारा महक शुभी भाविया श्री ज्योति सेठिया तीदा शतुती
शेटी, मर्जिया, आयशा और सलोनी का मैसेज। अच्छा, इसमें एक बड़ा फेवरेट मेरे पास आया है जो कमेंट आप मैसेज कह सकते हो, ये कि दर्शन, आफ्टर एवरी रिलीज ऑफ योर्स वी एक्सपेक्ट इंटरव्यू विद महावश एज शी द ओनली वन हु कन्वे आवर फीलिंग्स एंड बातें विद यू। जो बातें मुझे पूछी जाती है वो उतनी पर्सनल कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप जो मुझे पूछते हो मेरे फैंस के क्वेश्चंस पूछते हो और मुझे भी बहुत मजा आता है, क्योंकि अक्सर जब हम लाइव जाते हैं तो बहुत सारे फैंस के क्वेश्चंस छूट जाते हैं और देख नहीं पाते, बट आई ऑलवेज टेल यू थैंक यू। और मुझे भी सबसे ज्यादा मजा आता है आपके साथ मुझे इंटरव्यू देने का, क्योंकि जेन्युइन सवाल होते हैं और बहुत बहुत इट्स ग्रेट ग्रेट एंड आई वुड रियली वंस अगेन लाइक टू थैंक यू फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू ऑलवेज, इट्स अमेजिंग। उर्शाली, गौरी, रीमा, दर्श, अर्पिता नाथ, सलोनी, दिशिका, मानसी, पितीशा, मीरा शर्मा, अमरिया, रितिका, सुमिता और हर्षिता का क्वेश्चन था ये आपके लिए। अच्छा, ढोल बाजा के लिरिक्स किसने लिखे हैं और ये उज्मा, जोया, अनामिका, अरिया, हिरल निचलानी और अनिया गुप्ता, विशाली, अलका दर्श ने पूछा है। दानिश भाई ने लिखे हैं, जो स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने, वो ये वो दूसरे वो डैनिश है, ये दानिश है, दानिश आबरी, और इन्होंने पहले भी मेरे एक गाने के लिरिक्स लिखे थे, दिल मेरा ब्लास्ट हो गया आंखों से टेलीकास्ट पे, तो जो दिल मेरा ब्लास्ट गाना था वो उन्होंने लिखा था, बहुत कमाल लिखते हैं। और इस नचाने वाले गाने और उनकी स्पीड भी बहुत तेज है, सो या तो ये गाना उन्होंने लिखा है। जबरदस्त। अच्छा, फेवरेट लाइन फ्रॉम ढोल बाजा, और बाय द वे इन्होंने मतलब सबका कहना है कि हमारा तो पूरा फेवरेट ही है, पूरा का पूरा ही फेवरेट है, आपकी कोई फेवरेट लाइन हो तो बताएं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे आप अपनी फेवरेट लाइन बताएं मुझे कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, विराजशाली, भूमिका, नौशीन, तबस्सुम और माही ने आपसे ये सवाल किया था, और ये इनका सबका ये भी कहना है कि ये जो ट्रेडिशन आपने शुरू की है ना रात्रि सॉन्ग की, जैसे मून सॉन्ग के हर दफा आते हैं सॉन्ग, इसी तरह से ये चाहेंगे कि हर साल आपका इस तरह का सॉन्ग भी जरूर, फेस्टिवल का सॉन्ग भी इनको मिले। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, अभी प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि हर साल, बट अगर जैसे सबको पता ही है बारिश का गाना तो मैं करता ही हूँ, एक रोमांटिक वैलेंटाइन गाना करता हूँ, एंड कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे कि एक सेलिब्रेशन का गाना भी हो। सो तीन अलग अलग तरह के गाने तो ऑलरेडी आपको सुनने मिलेंगे ही, बट या ऑफकोर्स आई विल डेफिनेटली ट्राई, और आगे भी मैं कोशिश करता रहूंगा कि अलग अलग तरह के गाने सबको मिले, बट मुझे ऐसे जैसे फेस्टिवल का गाना, बारिश का गाना एंड वैलेंटाइन पर रोमांटिक गाना, ये अच्छा लगता है कि मोमेंट्स पर गाने निकालना। ये दीप्ति तन्वी चेती ने पूछा था आपसे, और साथ में एक क्वेश्चन और था, वो ये कि हर दफा अपने ऊपर प्रेशर फील नहीं होता कि मैंने इतना हिट दिया है तो अब नेक्स्ट देने वाला हूँ तो फिर क्या होगा? या प्रेशर बहुत रहता है, एंड ऑफ कोर्स प्रेशर इज ऑलवेज देयर, कि सबसे पहला प्रेशर तो यही रहता है कि आई होप सबको पसंद आए, जैसे हर गाना करता है, लास्ट जैसे बारिशों में has done great, और जब गाना कोई बहुत अच्छा चल जाता है, अप्रिशिएशन मिलता है आपको, तो फिर और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि नेक्स्ट वाला भी उतना ही पसंद हो, एंड ऑफ कोर्स परसेप्शन वाइज भी लोगों को हमेशा प्रेजेंट याद रहता है, पास्ट इज लाइक आपका ये गाना पीछे हिट था अभी क्या, so it is always the fight for the present that you do, and I am blessed to have again bahut kamal ki audience hai mere paas, to mera pressure sirf release tak hi rehta hai, mostly release isliye mera pressure sabse zyada ye hota hai ki bas pasand aa jaye universally sabko pasand aa jaye aur wo ho jata hai, wo to fir main I am a little relaxed, to sara pressure mehnat ye wo hum pehle kar lete hain, once the song is out we just wo fir hum hamara gana de dete hain, फिर वो सारा प्रेशर फैंस पे आ जाता है, क्या स्ट्रीम करना है, देखना है। सही। अच्छा, सॉन्ग टाइटल इसका ढोल बजा का किसने डिसाइड किया था कि ये टाइटल होगा ढोल बजा? इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि जो जैसे हुक भी है, ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा नाचेंगे सारी रात हम, तो उसमें टाइटल दिख ही रहा था ढोल बजा, क्योंकि वो ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, चार तीन बार तो ढोल बजा आ गया, हमने सोचा व्हाट इससे बेटर टाइटल नहीं होगा कुछ। ग्रेट। अच्छा, ये फरमाइश भी थी, अगर आप इस लाइन के साथ थोड़ा सा और ओमेगा के सुना दें तो ये एक दफा में ही पूरी हो जाएगी। नाचूंगा ऐसे उड़ती पतंग जैसे जुए हवाओं के संग,
ना मुझको रोको ना मुझको टोको, मैं हूँ मस्ती में मस्त वाला, ढोल बजा ढोलीड़ा ढोल बजा, नाचेंगे सारी रात हम गरबे की रात में, तू मेरे साथ में रोके रुकेंगे ना हम. Great, जबरदस्त, बहुत आला. थैंक यू फॉर टेकिंग द क्वेश्चंस, आई री लव इट. आपकी वजह से मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ, तो इसलिए आप मुझे शुक्रिया ना बोले, शुक्रिया मेरा ही बनता है आपके लिए. थैंक यू सो मच दर्शन, और मुझे पता है मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपके पास बहुत सारे काम है, बस आप मुझे इतना टाइम दे देते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बस इसी तरह से हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए. आपके गाने इसी तरह हम चाहेंगे कि फ्यूचर में जो भी सॉन्ग आता है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बेहतरीन गाने आए आपके, और बहुत ही जबरदस्त तरह से आप परफॉर्म करते रहे, हमेशा दिलों पर राज करते रहे. बहुत सारी दुआएं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय.